हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस वक्त मैं हूँ उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आज की जो यात्रा होने वाली है काफ़ी स्पेशल होती है, वो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं ट्रेवल करूंगा उदयपुर जयपुर इंटरसिटी जो है उसमें सफ़र करूंगा और मावली तक का सफ़र रहेगा। उसके बाद मैं आगे की आपको यात्रा बताऊंगा, काफ़ी स्पेशल और ऐतिहासिक होने वाली है आज की यात्रा, मिस मत करिएगा फ्रेंड्स। तो पहले मैं एक लिंक बनाऊंगा उदयपुर से मावली और फिर मावली से जो यात्रा होगी अपनी काफ़ी शानदार होगी। इस गाड़ी का है ये जनरल क्लास का डब्बा, हमारी सीट भी यहीं पे है। उदयपुर से जयपुर के लिए काफी शानदार इंटरसिटी एक्सप्रेस है, सुबह 6 बजे निकलती है, आपको 1:40 पे लगभग 2 बजे आपको जयपुर पहुंचा देती है। जिस किसी को वाया चित्तौड़गढ़ के रास्ते भिलवाड़ा अजमेर होते हुए फुलेरा जाना है या जयपुर जाना है तो आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। जनरल क्लास में कुछ अलग देखने को मिला है, देखें आप, पीने का पानी, अब देखते हैं ये चालू हो रहा है कि नहीं, करिए काम नहीं कर रहा है अलग बात है। 6:01 पे प्रस्थान होती हुई उदयपुर सिटी। छः बज के 45 मिनट पे ये आ चुके हैं हम लोग मावली जंक्शन। आप देख सकते हैं यार मेरे पीछे ये लिखा हुआ है मावली जंक्शन, और यहाँ से हम गाड़ी बदल सकते हैं। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग मारवाड़ के लिए एक प्यारी सी 1 मीटर गेज ट्रेन चलती है, वहाँ के लिए जा सकते हैं और आगे चित्तौड़गढ़ जयपुर जा सकते हैं, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और ये है मावली का शानदार सा नज़ारा। और अब हम पकड़ेंगे एक ऐतिहासिक ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो कि कुछ ही टाइम में यार विलुप्त होने वाली है, एक इतिहास ही बचेगा उस गाड़ी का है। और हम लोग यात्रा करेंगे आज मावली से लेके फुलाद तक, मारवाड़ तक। तो देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहेगी और आपको ट्रेन का दृश्य बताता हूँ। खजुराहो उदयपुर सिटी, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी गाड़ी उदयपुर सिटी जयपुर इंटरसिटी भी निकल गई, रवाना हो चुकी है, देखें। और इधर जो खड़ी है खजुराहो उदयपुर, वाह क्या नज़ारा है यार मावली जंक्शन का, इस सुबह सुबह का नज़ारा देखें यार, पूरे प्लेटफॉर्म ट्रेन से भरे हुए हैं, इधर से ट्रेन जा रही है, इधर खड़ी हुई है, काफ़ी शानदार और प्यारा सा दृश्य फ्रेंड्स। मावली जंक्शन, तो फ्रेंड्स इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और सारे प्लेटफॉर्मों को छोड़ के यार हमारी गाड़ी एक अलग ही जगह पे खड़ी हुई है। यह है मीटर गेज की ट्रेन, मावली से मारवाड़ के बीच चलने वाली गाड़ी, देख सकते हैं। अभी मैं आगे से आपको फ्रंट से भी नजारा बताता हूँ इस ट्रेन का। YDM-4 का लोकोमोटिव काफी पुराना, और ये मीटर गेज की लाइन कुछ ही टाइम में यार ये इतिहास बन जाएगी, कभी भी रेलवे का ऑर्डर आ सकता है और ये ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा। काफी ऐतिहासिक गाड़ी है जो कि राजस्थान के घाट, सबसे सुंदर घाट गोरम घाट को कवर करती है, और आज हम उसी चीज को कवर करने आए हैं। मात्र 5 डब्बे की ये छोटी सी ट्रेन, छोटी छोटी पटरियाँ, और ये एक अकेला अलग सा स्टेशन। उस साइड में आप देखेंगे तो फास्ट गाड़ियाँ निकलती हुई, और ये हमारी 7:25 पे मावली जंक्शन से निकलती है और मारवाड़ पहुँचने का टाइम है 2:20, यानी कि लगभग 7 घंटे 150 किलोमीटर के लेती है फ्रेंड्स हमारी ये मीटर गेज की ट्रेन। ट्रेन के अंदर इंटर होते हैं और देखते हैं कैसी क्या है हमारी ट्रेन का अंदर का लुक, तो देखें फ्रेंड्स।
अंदर की बात करें तो लकड़ियों की सीट है और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट नहीं है। ये मावली से हमारी गाड़ी निकलती हुई, सूर्योदय भी हो रहा है और ये ट्रेन का हॉर्न, और हम भी फ्रेंड्स निकलते हुए इस प्यारे से सफर में मावली से मारवाड़ के बीच में। मावली का ये है बड़ी लाइन ब्रॉड गेज जो सीधे चित्तौड़गढ़ जयपुर के लिए, और ये हमारी लाइन कट गई। ये हमारे साथ साथ नाथद्वारा तक ब्रॉड गेज भी चलती हुई। ये इंजन का साउंड देखें आप, और ये धुआं उड़ाते हुए ये देखें। मावली से चल के ये दूसरा स्टेशन आ चुका है नाथद्वारा। नाथद्वारा से आप श्रीनाथ जी टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। आठ बज के 28 मिनट पे हम लोग आ चुके हैं ये काकरोली, देख सकते हैं काकरोली का नज़ारा। प्यारा सा स्टेशन, सुंदर सुंदर से स्टेशन है यार, छोटे छोटे स्टेशन और कुछ ऐसा नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं काकरोली में। इस जगह फाटक नहीं है इसलिए धीरे धीरे हॉर्न बजाते हुए निकली है गाड़ी। देखिए ये ट्रेन हमारी चलती हुई काकरोली में खाली हुई, हालांकि चढ़ भी रहे हैं पर खाली भी होती जा रही है। और ये कुछ ऐसा, ये किसी ने देखा है स्विच, बच्चे घूमते हुए, बच्चे भी कुछ होते हैं यार इस, जब छोटी सी गाड़ी में जब घूमते हैं ना, हम लोग भी ऐसे ही कुछ होते थे यार जब हम घूमते थे। नौ बज के 50 मिनट पे ये आ चुके हम लोग चार भुजा रोड को आमेट भी कहा जाता है। और आगे से ही मैं देख रहा हूँ काफी पत्थर ही पत्थर, मतलब जो व्हाइट मार्बल है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे इस जगह पे है फ्रेंड्स। तो ये है यार चार भुजा रोड का रेलवे स्टेशन, चार भुजा रोड अमली घाट। इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है, जिस चीज़ के लिए ये पूरी जर्नी हो रही थी वो आने वाली है, बहुत ही नज़दीक है। और यहां से स्टार्ट होगा पूरा घाट सेक्शन, गाड़ी एकदम पहाड़ों को चिरती हुई निकलेगी पूरी वादियों से, हरी भरी वादियों से। तो ये है खामली घाट रेलवे स्टेशन का नज़ारा, और अब हम देखेंगे आगे घाट का सेक्शन, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये दुकान में चिप्स वगैरह मिल जाएगी आपको, सारी चीज़ें हैं यहाँ खामली घाट स्टेशन। ये देखें फ्रेंड्स, तो ये है खामली घाट का नजारा। Oh.
लेके फ्रेंड सामने। गजब यार गजब, ये क्या है यार, कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड से कौन सी क्या झील है ये। ऊपर से ऊपर ये क्या राजस्थान है ये? क्या है ये? से निकलती हुई देखो टनल, ये राजस्थान का ये एक और रूप देखने को मिला जो मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि इतना खूबसूरत, जहाँ पे पहाड़ और झरने और ये हरियाली दिखेगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ये देखें फ्रेंड्स, ये ब्रिज, यहाँ से भी लोग घूमते फिरते हैं। घाट फ्रेंड्स, तो भाई साहब बंदरों की भरमार देखो, खिड़की पे चढ़ चुके हैं। ये देखे बंदर भाई, यार कुछ अलग सा दृश्य है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये खाने के लिए खिड़की पे बंदर, वाह यार वाह भाई। और क्या हो रहा है उधर भी आ गया, अंदर भी एक इधर लटका हुआ है बंदर, देख रहा है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। हाँ भाई तो बढ़िया ना। हाँ ट्रेन के अंदर भी घुस गए बंदर, ये देखो सीधे इमरजेंसी विंडो से। देखा ऐसा दृश्य आज तक का भाई? अंदर घुस, अनबिलीवेबल दृश्य का मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और आज तक मैंने ऐसा ट्रेन का कर्व भी नहीं देखा, जैसे रोड पे जो जाते थे अपन घाट सेक्शन और वहाँ पे ऐसे जो कर्व होते कि आमने सामने रोड दिखे, वैसे ही यहाँ पे यार इस जगह पे पटरियाँ दिख रही, एक इधर और एक इधर, और हम पहुँच गए गोरम घाट। अब इसके बाद आगे आएगा फुलाद, ऐसी कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान में मेरे को ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, काफ़ी रोमांचक यार, काफ़ी रोमांचक। ये देखें फ्रेंड्स, ये पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे कहीं उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर आ गए हो, लग रहा है ये राजस्थान है। ये मारवाड़ जाने के लिए फुलाद, फाइनली फ्रेंड्स 12:50 पे ये आ चुके हैं हम लोग फुलाद। क्या इंटरेस्टिंग जर्नी रही, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो जब गोरम घाट और कामली घाट आया, मतलब मात्र 125 किलोमीटर की जर्नी थी, उसमें काफ़ी टाइम भी लगा यार फ्रेंड्स, कम से कम 6 घंटे 5.5 घंटे लगभग, लेकिन वो जो घाट सेक्शन आया उसके बाद पूरी थकान दूर हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि दृश्य इतने अच्छे थे। और ये देख सकते हैं, ये पूरा फुलाद का रेलवे स्टेशन का नज़ारा, यहाँ से लोको रिवर्सल भी होगा, ये आपका जो इंजन है ये उस साइड लगेगा जो सीधे मारवाड़ की ओर जाएगा। ये है कलागंज, क्या भैया कैसे दिया ये? 300 रुपये किलो का डबल ढेर में दे दो। और कुछ यहाँ पे नमकीन भी है, तो यहाँ का जो है कलागंज है ये भी काफ़ी फेमस है, तो ये भी लेते हैं 300 रुपये किलो में।
तो फ्रेंड्स ये देखें मावा लेते हुए हम लोग। तो स्वाद की बात करें फ्रेंड्स तो ये मिल्क केक ही है, उसी प्रकार का टेस्ट है, बढ़िया है, एक नंबर से। तो इधर एक और ट्रेन आती हुई फ्रेंड्स, ये मारवाड़ से आ रही है और मावली जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी क्या लगी यार आपको ये पूरी जर्नी, अच्छी लगी हो तो बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी कोई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।